हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहां पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाएं, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि हम मिलके कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली MCQs और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं, ताकि आपकी मदद हम कर सकें UPSC को क्लियर करने में। तो चलिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में, और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं फरवरी टू अप्रैल के। और इस लेक्चर की PDF आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी www.thelaymanway.com पे। ये रेड कैसे हो गया भाई, इसको वाइट करना है। चलो हाँ, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। और सबसे पहला कंसेप्ट हम पढ़ते हैं नेचुरल कैपिटल का। तो व्हाट इज़ नेचुरल कैपिटल, जो नेचर के हमारे एसेट्स हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल कैपिटल। कैपिटल वही होता है ना, जैसे मनी इकोनॉमी में कैपिटल क्या होता है, पैसा। हमारा पैसा हमारा एसेट है, इसीलिए उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो नेचर का जो एसेट्स हैं, नेचर के एसेट्स क्या हैं, ट्रीज़ हैं, है ना, ट्रीज़ है, वाटर है, एयर है, सॉइल है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं नेचुरल कैपिटल। जब हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग मतलब जब हम इसको लिखते हैं किसी डॉक्यूमेंट में, और फिर हम देखते हैं कि कितना चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, है ना। जब हम इसको अकाउंट करने लगते हैं, जब हम इसको देखने लगते हैं कि भाई ये कितने थे ट्रीज, अब कितने हो गए, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग। तो इससे हम यार ये मेजर कर पाते हैं कि कितना बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है, कितना हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये सब हम इसे इस अकाउंटिंग से देख सकते हैं। तो इंडिया ने बेसिकली अब इकोसिस्टम अकाउंटिंग का फंडा अपने में अडॉप्ट किया है, हम भी अब ये करने लगे हैं। और ये जो हमने सिस्टम अडॉप्ट किया है, इकोसिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें हम इकोसिस्टम के एसेट्स की अकाउंटिंग करते हैं, इसको इंप्लीमेंट किया गया है बाय MoSPI अंडर एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया ने तो इसको इंप्लीमेंट किया है। तो ये जो NCAVES प्रोजेक्ट है, इसको इसका मकसद ही यही है कि हम इकोसिस्टम अकाउंटिंग की प्रैक्टिस को, इकोसिस्टम अकाउंटिंग की जो नेचुरल कैपिटल एसेट्स हैं उनकी अकाउंटिंग को इंक्रीज़ कर पाएँ, हर देश उसको करे, ताकि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम स्टेप्स ले पाएँ उसको कंजर्व करने के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये किसने लॉन्च किया था, किसने फ़ंड किया है, इसको फ़ंड किया है यूरोपियन यूनियन ने इसको फ़ंड किया है। इसको इंप्लीमेंट कौन कौन कर रहा है, इसको इंप्लीमेंट कर रहा है ग्लोबली यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इंडिया में इसका इंप्लीमेंटेशन कौन देख रहा है, MoSPI विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो ये तीनों मिलकर इंडिया में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कौन कौन है, MoSPI इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया का सबसे पहला जो जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो लेह में आ रहा है। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो कि इंडिया का जो पहला जियो थर्मल प्रोजेक्ट है वो लेह में आ रहा है। क्या होता है जियो थर्मल एनर्जी, व्हाट इज जियो थर्मल? तो जियो थर्मल ये होता है, थर्मल मतलब क्या होता है, थर्मल मतलब हीट होता है ना, थर्मल मतलब हीट होता है, जियो मतलब जियोलॉजी मतलब हमारी लैंड अर्थ, जियो मतलब अर्थ, है ना। तो अर्थ की जब हम हीट को यूटिलाइज करके उससे एनर्जी निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। क्या मतलब है इसका, तो देखो कभी भी आपने देखा होगा सर्दियों में जो सर्दियों में जनरली जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो थोड़ा गर्म रहता है ना, वो गर्म रहता है क्योंकि वो अर्थ की हीट से हीटेड अप रहता है। मतलब वैसा नहीं है क्योंकि बाहर क्या होता है, बाहर बहुत ही कोल्ड होता है, बट अंडर ये वाटर जो होता है वो शील्डेड होता है। बट जियो थर्मल में क्या होता है, जब बहुत डीप डाउन हम चले जाते हैं ना अर्थ की सरफेस के अंदर, बहुत डीप डाउन, तो यहाँ पे तो मैग्मा फ्लो हो रहा होता है, हमने अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में देखा है ना। तो इस मैग्मा से बेसिकली रॉक हीट अप हो जाते हैं, और रॉक हीट अप हो जाते हैं, और फिर इनके कॉन्टैक्ट में जब वाटर आता है अंडरग्राउंड वाटर या वेल्स का वाटर, तो वो भी हीट अप हो जाता है। तो ये जो हीट अप वाटर है इसको हम स्टीम में कन्वर्ट करके फिर उससे टरबाइन चलाते हैं, और फिर टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये जो जनरेशन होता है इसको हम बोलते हैं क्या, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये जो हॉट वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट किया, उससे टरबाइन चलाया, टरबाइन चला के फिर वो फिर उसको फिर से रिकूल करते हैं उस वाटर को, और फिर उसको नीचे दे देते हैं इंजेक्शन वेल में। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है,
इसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, इसी से जियोथर्मल एनर्जी जनरेट होती है। तो जियोथर्मल मतलब है अर्थ की हीट, अर्थ की हीट से जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, है ना। तो उसका पहला प्रोजेक्ट बेसिकली लेह में आ रहा है, इंडिया का पहला है वो लेह में आ रहा है ना। कौन डेवलप करेगा इसको? ONGC एनर्जी, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड पावर डिपार्टमेंट ऑफ UT ऑफ लद्दाख, है ना। तो ये लोग सब मिलकर इसको इस्टेब्लिश करेंगे। अब जियोथर्मल एनर्जी के बारे में यू नो न्यूज़ आई है तो हम देख लेते हैं कौन कौन से जियोथर्मल एनर्जी के प्रोविंसेस हैं इंडिया में। तो इसको ना बेटर है मैप में देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रोविंसेस हैं देख लो, एक मिनट रुको, ब्लैक कर देते हैं इसको फिर से, है ना। इसमें कौन कौन से प्रोविंसेस हैं? तो सबसे पहले हिमालयाज हमारा रीजन है, हिमालयाज में हमको जियोथर्मल एनर्जी मिलती है, मणिकरण, पूगा। मणिकरण कभी आप गए हो तो वहाँ पे यू नो स्प्रिंग्स वगैरह हैं, है ना, तो वो आपको दिख जाएगा पूगा मणिकरण। फिर यहाँ हरियाणा वाले रीजन में सोहाना है, दिल्ली में भी थोड़ा बहुत मिलेगा आपको। फिर महानदी रिवर के पास है बरकरेश्वर उड़ीसा में। फिर तातापानी है मध्य प्रदेश में, तातापानी शायद वहीं पे है मध्य प्रदेश में। फिर जलगांव है ना, सोनाटा रीजन बोलते हैं इसको। सोनाटा इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर सन रिवर, नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर। तो ये इनके बेसिकली शॉर्ट फॉर्म चल रही हैं त, न और सन, है ना। तो सोनाटा, ठीक है, तो ये सोनाटा रीजन है, सन नर्मदा एंड तापी। उसके बाद ये गुजरात के रीजन में है, कैम्बे खम्बत वाला रीजन जो है यहाँ पे मिलेगा आपको। फिर बॉम्बे के कोस्ट पे मिलेगा उनाई, गोदावरी वाले रीजन में मिलेगा गोदावरी कृष्णा वाले रीजन में। तो ये सब हमारे रीजन्स हैं जियोथर्मल एनर्जी के। एक बार ये मैप देख लेना तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, करेक्ट। सोहाना कहाँ पर है? सोहाना हरियाणा में, है ना, हरियाणा में, तो ये याद रखना हरियाणा में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग की हम बात करते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, व्हाट इज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग? जब हम पेट्रोल में थोड़ा थोड़ा इथेनॉल मिलाने लगते हैं, तो पेट्रोल जनरली गाड़ियों में पेट्रोल डलता है ना, तो पेट्रोल के साथ अब हम इथेनॉल को ब्लेंड करके मिक्सचर फ्यूल देंगे आपकी गाड़ी में। इससे क्या होगा? इससे एक तो पेट्रोल पे यू नो आपका जो डिपेंडेंसी है वो कम होगा, और इथेनॉल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। इथेनॉल इज़ अ क्लीन फ्यूल, है ना, इससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एमिट नहीं होता। तो इथेनॉल इज़ अ क्लीन फ्यूल, इसीलिए इसको धीरे धीरे ब्लेंड कर रहा है। अभी इनिशियली एक फ्लाइट भी उड़ी थी बायोफ्यूल पे, अगर आपको याद हो तो। तो ये सब न्यूज़ में जो चीज़ें हैं ना, जो सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स हैं, इसको थोड़ा माइंड में रखा करो, है ना। तो ऑल इंडिया लेवल इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज़ रीच 7.2% इन द फर्स्ट 4 months। सो 7.4% हमने रीच कर लिया है। उसके बाद नेशनल, अब सिंस इथेनॉल ब्लेंडिंग न्यूज़ में है तो इससे रिलेटेड जो पॉलिसी हमारी आई थी 2018 में, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, उसको भी हम देख लेते हैं। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स का क्या टारगेट था कि भाई हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे विद पेट्रोल बाय 2030 एंड 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग करेंगे विद डीजल, है ना। तो पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंड होगा, ध्यान रखना, पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंड होगा और डीजल के साथ क्या होगा? बायोडीजल, है ना, डीजल के साथ बायोडीजल ब्लेंड होगा। तो कितना कितना टारगेट रखा गया था? 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए टारगेट रखा गया था और 5% बायोडीजल के लिए रखा गया था बाय 2030। और ये हमने 20% का 7.2% अचीव कर लिया। उसके बाद पॉलिसी ने क्या बोला था कि भाई हम फीडस्टॉक यूज़ करेंगे, जैसे शुगर केन की प्रोडक्शन में मोलासेस निकलता है, तो इसी से ही इथेनॉल जनरेट होता है ना। तो ये आपको याद रखना है कि मोलासेस से ही इथेनॉल मैन्युफैक्चर होता है। दिस इंक्लूड्स शुगर केन जूस, डैमेज फूड ग्रेन्स, रोटन पोटैटोज, कॉर्न, सरप्लस फूड ग्रेन्स। तो जो भी वेस्ट हमारा क्या बोलते हैं, जो भी वेस्ट फूड ग्रेन्स होते हैं उनको यूज़ करके हम इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं। फिर बायो फ्यूल जनरेशन की हम बात कर लेते हैं, चार टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो डिफरेंस क्या है इसमें? फर्स्ट जनरेशन बायो इथेनॉल जो हम निकालते हैं उसमें क्या क्या यूज़ होता है? उसमें हमारे फीड स्टॉक्स यूज़ होते हैं, जैसे सीरियल्स हो गए। सीरियल्स में क्या क्या आता है? राइस, वीट, बार्ले, कॉर्न, ये सब यूज़ होता है, शुगर केन, शुगर बीट, इससे बनता है फर्स्ट जनरेशन बायो इथेनॉल। सेकेंड जनरेशन बायो इथेनॉल किससे बनता है? जो भी बायो फ्यूल हैं सेकेंड जनरेशन वाले वो किससे बनते हैं? ये नॉन फूड क्रॉप से बनते हैं। ये वाले क्या थे? सीरियल्स क्या हैं? सीरियल्स फूड क्रॉप्स हैं ना, सीरियल फूड क्रॉप्स हैं। तो फर्स्ट जनरेशन फूड क्रॉप से बनते हैं, जो वेस्ट फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनसे बनते हैं, और जो सेकेंड जनरेशन होता है वो नॉन फूड क्रॉप से बनते हैं, जैसे सेलुलोसिक बायोफ्यूल्स एंड वेस्ट बायोमास, जैसे स्टॉक्स ऑफ वीट, कॉर्न एंड वुड, है ना। जो वीट के जो स्टॉक्स होते हैं ना, जो जड़ होते हैं, उनको जब काट देते हैं तो इसको जनरली क्या होता है? स्टबल बर्निंग होती है इसमें, है ना, स्टबल बर्निंग, इसको जला देते हैं। इसको जलाना, इसको ना जला के आप इसको इथेनॉल के प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉक्स ऑफ वीट, कॉर्न एंड वुड, तो ये सब सेकंड जनरेशन में आ गए। थर्ड जनरेशन क्या होता है? थर्ड जनरेशन एलगी से बनते हैं। तो दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग ऑयल ऑफ एलगी। तो एलगी का ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके उससे इथेनॉल जब बनता है, उससे बायोफ्यूल जब बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन। उसके बाद फोर्थ जनरेशन क्या होता है? फोर्थ जनरेशन मतलब एकदम एडवांस, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला होता है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उनसे बनते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगर केन्स, है ना। जैसे GM, अभी क्या चल रहा है,
जीएम कॉटन वगैरह है ना, जीएम कॉटन और जीएम मस्टर्ड है ना, तो ये सब अगर प्रोड्यूस होते हैं तो इससे जब अगर बनेंगे हमारा बायोफ्यूल तो उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल है ना, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी। अब बेनिफिट्स क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग के, वाई शुड वी यू नो ब्लेंड इथेनॉल, तो पहला तो यू नो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी, वो सिर्फ फूड ग्रेन्स के सेल पे यू नो डिपेंडेंट नहीं देंगे राइट। अगर इथेनॉल के लिए मान लो, इथेनॉल के लिए भी शुगर केन जा रही है और यू नो मोलेसेस वगैरह जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका डिमांड बढ़ेगा है ना, तो फार्मर्स के लिए इनकम, एडिशनल इनकम है ये। उसके बाद इम्पोर्ट, जो हम इम्पोर्ट करते हैं, आपको पता होगा कि हम पेट्रोल कहाँ से निकलता है, ये पेट्रोल और डीजल जो निकलता है ये कहाँ से निकलता है, पेट्रोल डीजल निकलता है क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से है ना, क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से निकलता है। अभी डिस्टिलेशन जो होता है, ये जो क्रूड ऑयल आता है ये कहाँ से आता है, इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, तो इंडिया 80% ऑफ द क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है ना, फिर उसको रिफाइन करते हैं, तो ये जो हमारी रिफाइनरीज हैं OCL की, BPCL की, HPCL की है ना, तो ये लोग सब इसको रिफाइन करती हैं और फिर यू नो यहीं से पेट्रोल वगैरह वो सब निकलता है डिस्टिलेशन से, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल को एक्चुअली डिस्टिलेशन में गैसोलीन बोलते हैं ठीक है, फिर गैस ये होता है, डीजल होता है हाई स्पीड डीजल राइट। नीचे आपका ये ऑयल्स निकलते हैं, जो आप इंजन ऑयल वगैरह डालते हो ना, वो नीचे निकलते हैं, फिर नीचे एकदम वो रोड बनाने के लिए जो बिटुमेन वगैरह होता है वो एकदम हैवी होता है, वो नीचे और नीचे निकलता है, फिर सबसे ऊपर आपका LPG वगैरह आता है, जो यू नो आपका ये होता है जो सिलेंडर्स में डलता है LPG, नैप्था होता है इधर, तो ये सब इस टाइप से डिस्टिलेशन निकलता है। और डिस्टिलेशन क्यों होता है, मतलब ऐसे क्यों होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, जो क्रूड होता है क्रूड में ये सब, क्रूड ऑयल में ये सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और फिर उन सबका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे ये लोग बॉइल करते हैं, और वहाँ जहाँ पे ये लोग बॉइल करते हैं वहाँ पे इनको कंडेंस करके निकाल दिया जाता है, तो इस टाइप से पूरा प्रोसेस होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा ऊपर का ओवरव्यू दे दिया मैंने। तो इम्पोर्ट हमारा कम होगा फ्यूल का है ना, उसके बाद क्या होगा, शुगर मिल्स के लिए और एडिशनल सरप्लस आ जाएगा, गेन फॉर शुगर मिल्स एज सरप्लस शुगर केन वुड नाउ बी कंज्यूम टू इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल है ना, तो जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर केन प्रोड्यूस हो रही है वो इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ हो जाएगी। इम्प्रूव्स कम्बशन परफॉर्मेंस, तो ये हाई क्वालिटी फ्यूल भी है, हाई एनर्जी फ्यूल है, तो कम्बशन परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है, कम एमिशन होते हैं, क्लीन फ्यूल है, तो ये आपको याद रखना है राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अर्थ आर की बात करते हैं, तो अर्थ आर 2021 जो है, क्या है अर्थ आर, अर्थ आर बेसिकली ऐसा एक घंटे का हम लाइट बंद कर देते हैं है ना, एक घंटे का हम लाइट बंद कर देते हैं ताकि यू नो हम सारे लोगों को, वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उनको यूनाइट कर पाएँ इस जो इतना ज़्यादा हम यू नो प्लानट को ख़राब कर रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, जो हम इतना ज़्यादा यू नो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान बटाने के लिए कि भाई यू नो हमको, हम सबको मिलके ये एफर्ट्स लेना पड़ेगा कि भाई हम इस प्लानट को बचाएं, नहीं तो प्लानट ख़राब हो ही रहा है, एंड आगे वाली आने वाली जनरेशन के लिए भी हम इसको और ख़राब ही कर रहे हैं राइट। तो इसलिए ये होता है, ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, अर्थ आर ऑर्गेनाइज कौन करता है, WWF। व्हाट इज़ WWF? WWF इज़ वर्ल्ड वाइड फंड है ना, वर्ल्ड वाइड फंड, इसमें एक घंटे का लाइट बंद होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोगों को यूनाइट करेंगे टू टेक एन एक्शन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रोटेक्ट द प्लानट। WWF क्या है, WWF इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको याद रखना है इट इज़ एन NGO, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार है ना, इट इज़ एन NGO, इट इज़ एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1961 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। रिपोर्ट कौन सी पब्लिश करता है, लिविंग प्लानट रिपोर्ट, तो लिविंग प्लानट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, WWF, तो ये आपको याद रखना है, लिविंग प्लानट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, WWF, याद रखना। अर्थ डे क्या होता है, ये तो अर्थ आर हो गया, अर्थ डे क्या होता है, अर्थ डे भी ऐसा ही होता है, इंटरनेशनल इवेंट होता है जिसमें हम प्लेज लेते हैं कि भाई हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। इस जो साल का अर्थ डे था उसका थीम था रीस्टोर आर अर्थ, तो ये आपको याद रखना है, रीस्टोर आर अर्थ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जल जीवन मिशन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज जल जीवन मिशन अर्बन। तो जल जीवन क्या है, जल मतलब पानी है, जल मतलब पानी, जीवन मतलब पानी, के बिना आपका जीवन कट नहीं सकता है ना, तो हमको पानी को कंजर्व करना है, सब तक पानी पहुंचाना है और पानी को कंजर्व करना है। तो जल जीवन मिशन में बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम हर घर में यूनिवर्सल वाटर कवरेज देंगे बाय 2024, तो आपको याद रखना है, हर घर जल है ना, हर घर जल हम देंगे बाय 2024। और फिर बाकी यू नो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी टेक्निक्स हम अपनाएंगे ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके है ना। फिर सिक्योरिंग टैप एंड सीवर कनेक्शंस, तो ये सब जितना भी चीज़ें हैं उन सबको हम प्रोवाइड करेंगे अर्बन फैसिलिटीज़ में। रीजनरेशन करेंगे वाटर बॉडीज़ का, वेल्स का है ना, वाटर स्टोरेज टैंक्स का, तो ये सब होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। जल जीवन मिशन विल प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर थ्रू डेवलपमेंट ऑफ सिटी वाटर बैलेंस टू प्रोटेक्ट ईच सिटी फोकसिंग ऑन रिसाइकिलिंग एंड रीयूज़। तो रीयूज़ करेंगे, रिसाइकिल करेंगे है ना, पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये सब
यू नो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जल जीवन मिशन के। अब कंपोनेंट देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ इन विलेज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, हर विलेज में हम वाटर सप्लाई जैसे वो लाइंस होती है ना पाइपलाइंस उसको एस्टैब्लिश करेंगे ताकि वाटर का सप्लाई इंश्योर कर पाएं 24/7 राइट। उसके बाद रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स सोर्स देंगे अंडर एंड और ऑगमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्सेज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। अब आप मेरे को क्या करोगे, अभी न्यूज़ में रिसेंटली था, आप मेरे को ये बताओगे कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कहाँ पे एक्चुअली हुआ है, ये बताओगे आप कहाँ पे एक्चुअली ऐसा हुआ अभी रिसेंटली जहाँ पे अब पाइप ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा थ्रू टैप्स, मतलब जो आप नॉर्मल टैप यूज़ करते हो ना जिससे आप बाल्टी भरते हो वगैरह उससे जो आएगा पानी उसको आप डायरेक्टली ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ऐसा किया है और कौन सी सिटी में हुआ है, तो ये आप एक बार देख के बताना कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे अब पूरा पाइपलाइन आ गया है वाटर का और जो टैप से ही मिनरल वाटर आएगा, मतलब आपको अब प्यूरीफायर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपको ये बताना है कहाँ पे हुआ है, ये कमेंट करके बताना नीचे। रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स बनाएंगे, है ना। उसके बाद ग्रे वाटर मैनेजमेंट करेंगे। ग्रे वाटर क्या होता है, ग्रे वाटर जैसे आप नहाने वगैरह जाते हो ना, तो नहाने जाते हो तो आप जो पानी यूज़ करते हो आप, है ना, फिर वो वहाँ नीचे जाता है नाली में, तो उसको हम बोलते हैं ग्रे वाटर, है ना। नॉन फीकल जो होता है ना, नॉन फीकल वेस्ट वाटर, जो आप फ्लश करते हो वो वाला नहीं, जो टॉयलेट में फ्लश करते हो वो वाला नहीं, दैट इज़ फीकल वाटर। जो नॉन फीकल वेस्ट वाटर होता है उसको हम बोलते हैं ग्रे वाटर, उसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं। अब उसको हम रिसाइकिल और यू नो रीयूज़ करने की बात हो रही है यहाँ पे, उसको हम मैनेज करेंगे ताकि उसको पहले प्री ट्रीट किया जा सके, है ना, प्री ट्रीटमेंट किया जा सके। ऐसे ही नहीं आप वाटर बॉडीज और रिवर्स में उसको ट्रेन कर सकते हो, राइट। उसका पहले प्री ट्रीटमेंट होता है, फिर वो उसके बाद आप उसको कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रे वाटर मैनेजमेंट। फिर हम वाटर क्वालिटी लेबोरेटरीज बनाएंगे ताकि वाटर क्वालिटी को हम चेक कर पाएँ। R&D फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे, नॉलेज सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। ये सब क्या है, जेनरिक स्टेटमेंट्स है। फंडिंग कौन दे रहा है, इसमें फंडिंग दे रहा है 100% सेंट्रल फंडिंग है ना UTs के लिए, 90% नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स के लिए है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फोकस किस पे है, अर्बन लोकल बॉडीज़ पे, कि भाई हम अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे ताकि जो वाटर बाय रिड्यूसिंग नॉन रेवेन्यू वाटर टू बिलो 20%, प्रमोटिंग ड्यूअल पाइपिंग सिस्टम एक्सेट्रा। बस यही है, बस बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज़ को हम साथ मिलकर काम करेंगे ताकि क्या हो पाए, ताकि हमारा वाटर कंजर्वेशन हो पाए और हम हर घर पर वाटर पहुँचा सकें, है ना। यही है इस कमीशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जल शक्ति अभियान के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ जल शक्ति अभियान, तो अभी रिसेंटली यू नो एक कैंपेन आई है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन। व्हाट इज़ कैच द रेन, कैच द रेन मतलब आप पानी के ड्रॉपलेट्स को कैच कर रहे हो। पानी के ड्रॉपलेट्स को कैच करोगे तो क्या होगा, पानी के ड्रॉपलेट्स को कैच करोगे तो भाई उसको कंजर्व करेंगे ना, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे है बेसिकली, कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो उसको लॉन्च किसने किया है, लॉन्च किसके थ्रू हुआ है, नेशनल वाटर मिशन के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विद नेहरू युवा केंद्र संगठन एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो उन सब ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। इट सीक्स टू नज द स्टेक होल्डर्स टू क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सस्टेनेबल टू द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉइल स्ट्रेटा। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस भाई है वाटर कंजर्व करेंगे, हम वाटर कंजर्व करेंगे, रीयूज करेंगे, तो ये सब इसका सिग्निफिकेंस है, है ना। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं एक बार, ये ना न्यूज़ व्यूज़ में आ जाते हैं कभी बार, तो ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपको याद करने हैं, याद मतलब ऐसे बाय हार्ट नहीं, बट हाँ मतलब एक आइडिया होना चाहिए ताकि अगर यू नो उसमें आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है, तो आप एलिमिनेट कर पाओ, है ना। तो ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम और यहाँ पे कौन से रीजन का है, तो ट्रांस हिमालयन रीजन में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को हम जिंग बोलते हैं। वेस्टर्न हिमालयस में बहुत सारे नाम है, कुल है, कुल्हा है, नौला है, कुल है, खत्री है ना, तो ये सब ये पूछा जा चुका है, कुल, जिंग भी पूछा जा चुका है। उसके बाद ईस्टर्न हिमालयस में अपातानी है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में जाबो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा वैली में डोंग डंग्स या जम्पोइस बोलते हैं, ये भी पूछा जा चुका है शायद मेरे हिसाब से, डोंग्स डंग्स एंड जम्पोइस बोलते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में अहर्स बोलते हैं, डिगीज बोलते हैं, बाउलीज बोलते हैं। थार डेजर्ट में क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट में कुंज बोलते हैं, इतने सारे नाम हैं, नाडी, तोबा, देखो सब याद करना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, बट ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे माइंड में रहता है ना, बस देख लो 4-5 बार, ऐसी रटने की कोशिश मत करना, 4-5 बार देख लो बस हो जाएगा, इनफ है। थार डेजर्ट में क्या है, कुंज है, बौरीज है, नाडीज है, टोबाज है, टंकाज है, टंकाज इंपॉर्टेंट है, देखो टंकाज यहाँ पे, टंकाज कहाँ का है, थार डेजर्ट का है, ध्यान दे देना इसको। उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स में तालाब बोलते हैं, बंधीज बोलते हैं, जोहद्स बोलते हैं, रपत बोलते हैं, चंदेला टैंक बोलते हैं, बुंदेला टैंक बोलते हैं। देखो टैंक कहीं आएगा तो आप बता दोगे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है ना, कहाँ का है बस ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल हाईलैंड्स का है बुंदेला टैंक। ईस्टर्न हाईलैंड्स में इसको क्या बोलते हैं, बंस बोलते हैं, मुंदाज बोलते हैं और कट्स बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बंस, तो ये भी याद कर लेना। डेक्कन प्लेट्यू में क्या बोलते हैं, कोहली टैंक्स, भंडार्स, फार्ड, फार्ड पूछा जा चुका है, फार्ड जो है वो कहाँ का है, डेक्कन प्लेट्यू का है, केरे रामटेक मॉडल।
उसके बाद वेस्टर्न घाट्स में सुरंगम है, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स में विरदाज है ना, ईस्टर्न घाट्स में कोरम्बू है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में एरी या उरानिस है, और द आइलैंड्स में क्या है, जैकवेल्स। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, राइट। तो ये याद रखना, इसको 4-5 बार देखोगे याद हो जाएगा, है ना। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमको वेबसाइट पे भी मेल कर सकते हो, सॉरी ईमेल पे भी हमको मेल कर सकते हो, राइट। तो वहाँ पे आप कॉल भी शेड्यूल कर सकते हो, अगर आपको कॉल यू नो शेड्यूल करानी है तो आप हमको ईमेल पे बता दीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे, उस हिसाब से हम अपॉइंटमेंट चेक करके आपका डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, और 2 महीने बचे हैं प्रीलिम्स में, तो टेस्ट सीरीज़ आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, टेस्ट सीरीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे। और वेरी इंपॉर्टेंट जो था कि भाई PYQ जो है, PYQ बिल्कुल एनालाइज़ करिए पिछले 15-20 साल के अगर कर सकते हो तो, और PYQ को रिवाइज़ करिए बहुत ज़्यादा, और जो वहाँ पर टॉपिक्स आए हैं PYQs में, है ना, जो भी टॉपिक्स हैं PYQs में उसको प्लीज़ थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि देखो जो PYQ में पूछा गया है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक्स के आसपास जितनी थ्योरी है वो सारा पढ़ लेना, है ना, बता रहा हूँ पहले ही पढ़ लेना, क्योंकि देखो अगर तुम PYQ कर लोगे, अगर आप लोग PYQ कर लोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो उसी कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, एंड दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन यू क्लियरिंग प्रीलिम्स और नॉट। तो ध्यान रखो इन सब चीज़ों का, है ना, और बाकी पढ़ते रहो, कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।